एहसास था, इन्होंने खुद ही कहा है अपने स्टेज से कि मैं पिछले एक दो साल से मन बढ़ा रहा था। यार आप मन में मन बढ़ाया हुआ था आपने, तो आप चले क्यों नहीं गए? इन मेंढकियों की जिन्होंने क्यों बात की, वो मेंढकियों ने ही इनको बनाया। अब ये मेंढक जंप मार के दूसरी पार्टी में चला गया, इस मेंढक को शर्म नहीं आई, इसमें भूख ऐसी जाग गई इनको, कौन सी चीज जाग गई इनको कि ये वहां पे बैठ गए, उनके पास जाके उनकी गोदी में चले गए। जो भाजपा को गालियां दिया करते थे, भाजपा को अनुराग मंत्री अनुराग जी को गालियां दिया करते थे, मोदी जी को गालियां दिया करते थे, मैं इनको अब दावे के साथ कहता हूं, चैलेंज के साथ कहता हूं, जिन मेंढकियों ने इनको जताया था वही मेंढकियां इनको उखाड़ के बाहर फेंकेगी सत्ता से। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत जीवन उत्साह न्यूज पर आप सभी दर्शकों का मैं कर रहा हूं। और हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक भूचाल सा पिछले दिनों में आपको देखने को मिला होगा। इस भूचाल में बड़े बड़े लोगों की नींद हिल गई और उस नींद हिलने की वजह से हिमाचल प्रदेश में एक राजनीतिक संकट भी पैदा हो गया। हालांकि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस भूचाल को कंट्रोल करने के लिए अपना एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और वो किसी हद तक कामयाब भी हुए। ऐसे में अब सवाल ये आता है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जिस तरह से छह कांग्रेस के बागी विधायकों ने जिस रणनीति को अपनाकर भाजपा ज्वाइन की है, वह किस हद तक कामयाब होंगे? और इस वजह से जो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर जो इफेक्ट हुआ है, उनकी भावनाओं को जो ठेस लगी है, उसका ग्राउंड पर क्या रिपोर्ट है, लोग क्या सोच रहे हैं? और कांग्रेस पार्टी के जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, अब वो क्या सोच रहे हैं, क्या रणनीति बना रहे हैं, क्या वो उस चेहरे के साथ काम करेंगे जिसके साथ वो पहले करते हुए आ रहे हैं, या फिर वह चेहरे की बजाय पार्टी को वरीयता देंगे? हिमाचल प्रदेश के बरसा विधानसभा की जो सीट है वो काफी हॉट रही है और कांग्रेस के विधायक के रूप में इंद्रदेव लखनपाल ने यहां पर अपनी एक अलग पहचान, अपनी छवि भी क्रिएट की थी। लेकिन उस छवि को और उस पहचान को अब जैसे ग्रहण सा लग गया है और वो ग्रहण अब भाजपा की तरफ चला गया है, और ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ता खुलकर या चुप रहकर इन सब बातों का चर्चा कर रहे हैं। इस चर्चा को लेकर हमारे बीच में बरसा विधानसभा के एक कर्मठ युवा कार्यकर्ता जो कि ढबरियाना पंचायत के उप प्रधान है, तो चलिए आपको मिलाते हैं युवा कर्मठ कार्यकर्ता कांग्रेस के दीप ठाकुर। लोगों की समस्याओं को लेकर, जनसेवा को लेकर ये निरंतर कार्य करते रहते हैं और बहुत अच्छी पकड़ इन्होंने अपनी पंचायतों में और अपने क्षेत्र में बनाई हुई है। तो कार्यकर्ता के रूप में इनका क्या सोचना है, ये जो सारी घटनाक्रम हुई है इस पर मैं आपको लेकर चलूंगा। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं इस चर्चा में। तो दीप ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका जीवन उत्साह न्यूज के इस कार्यक्रम में। चर्चा हम करने जा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से राजनीतिक संकट आया है, आप एक कार्यकर्ता के रूप में काफी लंबे समय से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, इस घटनाक्रम को लेकर आपके मन में क्या विचार आ रहा है और किस तरह से अब इस सारी घटना के बाद आप पार्टी को या किसी व्यक्ति के चेहरे को देखते हैं? मैं दीप ठाकुर, उप प्रधान दबड़ियाना, लोगों की सेवा में 24 घंटे तत्पर रहता हूं और जो पार्टी के दिशा निर्देश होते हैं उन पर हम काम करते हैं। और जो हमारे माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, वो एक हमारा एक ऐसा गौरव है, वो हमारा एक ऐसा भविष्य है जो कि आने वाले समय में शायद हमें प्राप्त हो ना हो, लेकिन हम जो कार्यकर्ता हैं वो एकजुट होके हम अपने सीएम साहब की कुर्सी को जाने नहीं देंगे। इन भगौड़ों से हम अपनी कुर्सी को बचाएंगे। ये भगौड़े अगर यहां से उछल के ये हमें जो पदवी दे रहे हैं कि ये मेंढकियां हैं, स्टेज पे बैठी हुई मेंढकियां हैं, अगर हम मेंढकियां हैं तो जो मेंढकियां आपको 2012 में यहां पे लेके आई, उन्हीं मेंढकियों ने आपको इतना मान सम्मान दिया, आपको एक बार राजा साहब ने सीपीएस बनाया, अगली बार आपको फिर हमारी जनता ने, उन्हीं मेंढकियों ने आपको चुनाव जिताया, उन्हीं मेंढकियों ने आपका अगला नेक्स्ट कार्यकाल जिताया। मैं इनको मंच से सुन रहा था, ये जो बाकी अपनी गलतियों की वजह से जो ये खत्म हुए हैं इस समय, जो इनका जो कैरियर खत्म हुआ है,
उससे जो है कांग्रेस पार्टी के हमारे जैसे कर्मठ कार्यकर्ता तो इनके साथ बिल्कुल नहीं चलने वाले हैं, ना जाने वाले हैं। पार्टी हमारी माँ होती है, लेकिन इन्होंने पार्टी जो हमारी माँ है उस माँ का सम्मान ना करते हुए ये जो हमें छोड़ के चले गए हैं दूसरी पार्टी में, वहां जाके सोच रहे हैं कि हम जीत जाएंगे। तो वहां के लोग भी बहुत आहत है, बीजेपी के लोग भी बहुत आहत है इनकी इस चीज को लेके, लेकिन कोई बोलता नहीं है। बोलेंगे लोग, मन में रखेंगे दबा के चीज आगे को क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। लेकिन हमारे जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, हमारे जो यहाँ के प्रभारी लगाए हुए हैं धर्माणी जी, उनके सहयोग से उनके दिशा निर्देश से हमें जो आदेश आएंगे, हम पार्टी के सिपाही हैं, हमें इन्होंने बोला। अब ये कांग्रेस में थे तो ये बोलते थे ऐसा कर दो भाई, आप लोग ऐसा बीजेपी कार्यकर्ता ऐसा कर रहे हैं तो बीजेपी कार्यकर्ताओं को ऐसे करो जाके, आप वहां पे गंद डाल रहे हैं, आप लड़ाई करो वहां जाके। कार्यकर्ता के लड़ाई करने के लिए होता है, जब कार्यकर्ता बन जाता है तो उसके बाद इनको पूछने का टाइम नहीं है। 2012 से मेरी जो पार्टी है, मेरे जो लोग हैं पार्टी के लोग हैं, जो बाबा ठाकर वगैरह और मेरे साथ संगठित डैफा जी हैं और हैं, रामाशंकर जी हैं पार्टी के कार्यकर्ता, राजेश जी, मनजीत जी, कृष्ण जी, बहुत बड़े बड़े दिग्गज जो हमारे यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, जो कि पार्टी के लिए अपनी जान माल देने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। एक युवा नेता हमारा छोटा रोहल भाई भी है। तो हम सब ने मिलकर इनका टोटली पूर्ण बहिष्कार किया है। ना तो मैं इनको अपनी पंचायत में, मैंने अपने पंचायत के लोगों से जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन सब लोगों से मैंने मंत्रणा की है, और उन लोगों ने एकजुट होकर यहाँ पे अपनी अपना साथ दिखाते हुए, हमने गीता पैलेस में कभी धर्माणी जी आए हुए थे तो हमने प्रोग्राम रखा हुआ था, कम से कम भी हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता थे 800-900 कार्यकर्ता वहां पे खड़ा था, और मैंने उन कार्यकर्ताओं को देखा जो कि इनके द्वारा प्रताड़ित किए हुए थे, जो पार्टी के कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता थे वो इनके द्वारा प्रताड़ित कर करके इतना बुरा हाल हो गया था कि इनको पार्टी से रुष्ट होना पड़ा, इनको रुष्ट कर दिया, अलग ही कर दिया, दरकिनार कर दिया, उनको स्टेजों पे नहीं आने दिया जाए। ठाकुर साहब, जैसे कि अभी आप चर्चा कर रहे हैं, उस चर्चा में एक विषय निकल कर आता है, जैसे अभी जो बागी गए हैं उन्होंने ये बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारे ऊपर राज्यसभा में बाहरी आदमी को थोपा जा रहा था, तो इसलिए हमने जो है वो उस पक्ष में जो है वो भाजपा को वोट दिया, क्योंकि यहां पर जो व्यक्ति थे वो बाहरी थे। तो इसको लेकर आपका क्या मानना है? तो क्या ये शिमला से ये कहां से आए हैं? ये बात करते हैं कि हमें जी हम हार गए, हम ये बाहर से आए हुए लोगों को इन्होंने टिकट दे दिया जी यहाँ पे, और राज्यसभा के लिए भेजना था हमने। मैं एक बात पूछना चाहता हूं इनसे, जो इनके मंत्री अपने अध्यक्ष रहे हैं नड्डा जी जाके गुजरात से इलेक्शन लड़ते हैं और गुजरात से जाके जीत जाते हैं, वो यहां क्यों नहीं लड़े? यहां पे लड़ते, पब्लिक का सामना करते, तो उनको एहसास था। इन्होंने खुद ही कहा है अपने स्टेज से कि मैं पिछले 1-2 साल से, जो पीछे का हमारा टाइम है उसमें 1-2 साल से मन बढ़ा रहा था। यार आपने मन में मन बढ़ाया हुआ था आपने, तो आप चले क्यों नहीं गए? आपने लोगों का पैसा क्यों बर्बाद किया? लोगों की भावनाओं से क्यों खेले? मेरी बढ़सर की जनता को ही मूर्ख बनाना था आपने, मूर्ख बनाया। 12 में आए यहाँ पे बैठ गए कुर्सी पे आके, ना तो इनका जन्म यहाँ का है ना तो इनका मरण यहाँ का होगा, लेकिन ये जब बाहर जाएंगे तो ये फिर से वहां भाग जाएंगे। लेकिन शिमला में पैदा हुए, शिमला में रहे, जब यहाँ इन मेंढकियों की जिन्होंने बात की, वो मेंढकियों ने ही इनको बनाया। अब ये मेंढक जंप मार के दूसरी पार्टी में चला गया, इस मेंढक को शर्म नहीं आई, इस मेंढक को पार्टी के कार्यकर्ताओं की राज शर्म नहीं रखने आई। पार्टी के कार्यकर्ता जो दिलों से जुड़े हुए थे, मेरे घर में मैं इतना बड़ा कांग्रेसिया रहा हूं, मेरे फादर साहब सूबेदार श्री ध्यान सिंह जी, लेट श्री ध्यान सिंह जी, इतने बड़े पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, उन्होंने कभी भी पार्टी का दामन नहीं छोड़ा, ना हमें छोड़ने दिया। हम किसी भी विचारधारा से शिमला में रहे, हम तब भी हमने पार्टियों का साथ दिया, तब भी हम पार्टी के साथ ही रहे। आज हम मैं HP यूनिवर्सिटी से MSc BEd हूं। तो कोई कहीं जाता है, अपनी अपनी क्षमता होती है, लेकिन हमने यही रह के पढ़ाई की। पारिवारिक सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि थोड़ा फादर साहब भी कमाने वाले थे, बाकी कमाने वाले नहीं थे। लेकिन यहां पर ये चर्चा में बात आगे बढ़ रही है, तो एक प्रश्न और यहां पर आता है कि जैसे आपने अभी कहा कि मेरे पिताजी कट्टर कांग्रेसी रहे हैं और कांग्रेस के साथ उन्होंने अपना पूरा संपूर्ण जीवन दिया है, आज आपके परिवारों में, आपके माता जी या आपके परिवार में जो भी लोग हैं वो उस विचारधारा से कहीं ना कहीं बिलोंग करते होंगे, तो उनका आज इस पूरे इंसिडेंट को लेकर क्या मानना है, किस तरह से वो इस विषय को देख रहे हैं? मैं इनको भाई साहब को ये बोलना चाहता हूं कि मेरे पिताजी ने इतना मान सम्मान गाड़ियां अपना धन दौलत अपनी जेब से लगाई, लेकिन कभी इनसे पूछा जाए कि पार्टी का इतना कर्मठ कार्यकर्ता होने के बावजूद दीप ठाकुर उर्फ फांदी मेरा नाम है,
छोटा निक नाम जो है मेरे को लोग फांदी के नाम से ही जानते हैं, जो मैं संगठन जो हमें आदेश देगा, जो संगठन हमारा कांग्रेस का है और जो हमारे जो उनके सीनियर लीडर हैं, मान लो धर्माणी जी हैं, धर्माणी जी से ऊपर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, जो कि ऐसे सीएम हैं जो जिनको कि ईमानदार कट्टर ईमानदार गिना गया है और आज भी मैं गिनता हूं उनको, पूरी पब्लिक गिनती है, पूरा हमीरपुर उनके साथ खड़ा है, वो ऐसे सीएम को एक छल किया, उनके साथ ऐसा कपट किया कि एक छोटे से वो परिवार से एचआरटीसी के ड्राइवर थे, उनके पिताजी कैसे कैसे संघर्ष किया होगा, मैं भी एक नॉर्मल फैमिली से रहा हूं, तो उन्होंने कैसे कैसे संघर्ष किया होगा, किस तरह से उन्होंने अपना जीवन दिनचर्या, हमें तो मेरे को तो पूरा पता है कि कॉलेज में पढ़े होंगे तो वो भी हमारी तरह 10 रुपए लेके जाते होंगे, कहीं किराया होता नहीं था, किराया हमने वो गवर्नमेंट के पास बढ़ाए होते थे, तो वैसे वो भी बैठ बैठ के बसों में कहीं पढ़े होंगे, कहीं लॉ की होगी, फिर कैसे कैसे उन्होंने हमारे बहुत बातें हैं बोलने को, लेकिन इतना संघर्ष किया उन्होंने और इतना संघर्ष करने के बाद वो कांग्रेस पार्टी को एकजुटता के साथ लेके आए और एक हमें सीएम मिला, कांग्रेस पार्टी का पहला सीएम मिला। अच्छा, यहां पर ठाकुर साहब, जैसे आपने बहुत सारी बातें इसमें कही हैं, जैसे कि इंदौर लखनपाल जी अब क्योंकि भाजपा में शामिल हो गए हैं, और इनका ये कहना है कि इनके जो कार्य हैं वो मुख्यमंत्री द्वारा नहीं किए जा रहे थे और इनकी प्रताड़ना की जा रही थी, इनको बेइज्जत किया जा रहा था, तो आप भी कार्यकर्ता पार्टी के रहे हैं जी, जी। क्या आपके संज्ञान में कुछ इस तरह की बातें कभी आई हैं कि ऐसा कोई परिस्थिति इनके साथ बनी है? नहीं, कभी नहीं जी, ये तो बिल्कुल सरेआम झूठ बोल रहे हैं इनको। अब मेरे को लगता है भाजपा की वो जुमलेबाजी वाली झूठ बोलने वाली आदत पड़ गई है, थोड़ा सा चले गए वहां पे तो उनको वही आदत हो गई। इनके हर कार्य हो रहे थे, इनका कोई भी ऐसा कार्य जो था वो नहीं हो रहा था। आप मेरी बात सुनिए, अगर मदौन में काम हुआ है तो अगर अभिनेत्री जी के काम में सेकंड इसमें दूसरे नंबर पे उनका काम हुआ है तो तीसरे नंबर पे जो है हमारे माननीय पूर्व विधायक उनके काम हो रहे थे और उनके कामों को कभी भी हमारी पार्टी ने कभी भी इनको मना नहीं किया। जब भी मैं गया, मैं शिमला गया, मैं 200 आदमियों का दल लेके गया, वहां पे उनसे मिला, उन्होंने इतना मान सम्मान दिया, उनके एक कहने पे सीएम साहब अपनी विधानसभा छोड़ के नीचे हमसे मिलने आए, हमारा आपके माध्यम से ही हमने लाइव किया था, ये आपने ही लाइव किया था इसको भी, इसको देखा था और बताया था लोगों को, कितना मान सम्मान, इतना मान सम्मान इनको मिलने के बावजूद ये पत्नी किस चीज के लिए, कौन सी भूख ऐसी जाग गई इनको, कौन सी चीज जाग गई इनको कि ये वहां पे बैठ गए, उनके पास जाके उनकी गोदी में चले गए, जो भाजपा को गालियां दिया करते थे, भाजपा को अनुराग मंत्री अनुराग जी को गालियां दिया करते थे, मोदी जी को गालियां दिया करते थे, इतना कुछ बोला करते थे, वो आज उनके ही भगत बन गए। चलो कोई बात नहीं, हमें नहीं, जय श्री राम ये बोल रहे हैं तो हमें भी, हम राम का मैं इतना बड़ा भगत हूं, मेरे से हनुमान चालीसा बुला लीजिए, जो मर्जी बुला लीजिए, कोई भी शब्द बुला लीजिए, भगवान राम से जो भी जुड़ी आस्था है हमारी वो इतनी है कि हद से ज्यादा है, वो मैं आपको जाहिर नहीं कर सकता। जब भी कभी हमारे कांग्रेस के सिपाही की किसी की यहाँ पे जैसे हार जाते थे, मान लो हार गए, डोगरा जी थे कोई भी थे या हमारे विद्या स्टोक्सी से जार जी से, वो कभी लड़ते थे तो वो हार जाते थे तो हमारे घर में 10-10 दिन तक ऐसा सन्नाटा छा जाता था कि हमें भी लगता था यार पिताजी इतने नाराज क्यों हुए और पिताजी इतने गुस्से में क्यों हुए, या हमें भी कोई, हम चल में कोई चीज बोलनी, पापा जी ऐसे, तो उन्होंने बोलना यार मेरे को ना 10-15 दिन के लिए थोड़ा रिलैक्स कर दो क्योंकि मैं झेल नहीं पा। और रही बात इनकी, जो ये भाजपा में चले गए हैं अब, तो ये बोलते हैं कि मेरे सीएम साहब ने कोई कार्य नहीं किए, अगर इनका कोई कार्य सीएम साहब ने नहीं किया है तो उस चीज की सूची जारी करें, तहसील आपकी आपके सामने बढ़ रही है, आपके सामने ही काम चला हुआ है, तहसील का बढ़िया काम चला हुआ है, सीएम साहब ने अभी पीछे जैसे 11 करोड़ रुपए डाला उसमें, फिर अपना बिजड़ में क्या नाम लेते, बिजड़ में भी और छोटे मोटे काम अभी पीडब्ल्यूडी का अभी अनाउंसमेंट किया है इन्होंने, फिर उसके बाद आप बर्स का हॉस्पिटल का देख लो, कोई भी कार्य पब्लिक के, इवन मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे सामने ट्रांसफर हुई, मेरे सामने कई लोगों को इन्होंने लाया, लेकिन अगर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी अपने किसी कार्यकर्ता के ट्रांसफर कर दे रहे हैं तो वो भी तो कांग्रेसिया है, वो भी तो कांग्रेसिया है, वो भी तो बीजेपी की, तो वो ट्रांसफर नहीं करेंगे, करेंगे तो वो कांग्रेस के ही कैंडिडेट की, तो जो कांग्रेस के कैंडिडेट है वही तो वहां पे उनसे जाके काम करवा रहे हैं। अगर आपका कोई एक आधा डीओ बीच में मिस हो गया तो आप शो करें किस चीज के, किस कौन सी भूख जागी हुई है, कौन सा पैसा आपको चाहिए, कौन सी चीज आपको चाहिए जो आपको नहीं मिल रही थी। पार्टी के यारों लोग एमएलए बनने के लिए तरसते हैं, आपको 2-2 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है, इतना खर्चा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, फिर ऐसी कौन सी भूख जाग गई आपको कि आप वहां चले गए। तो अब मैं आपसे इस चर्चा पे ये पूछना चाहूंगा कि अभी तक आप इंदौर लखनपाल के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे, कार्यकर्ता 12 से, अब आगे
कांग्रेस पार्टी का जो चेहरा होगा जिसके साथ होगा उसके साथ आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी का कोई भी चेहरा हो, संगठन से हो, बाहर का ना हो, अगर बाहर का बीजेपी का कोई हमारी पार्टी में आने की कोशिश करता है तो उसको हम बिल्कुल विरोध करेंगे। अगर कोई पार्टी से वैसे कोई आजाद लड़ा है, कुछ भी है, कोई भी अगर यहाँ पे हमारी पार्टी में आने की कोशिश करता है तो हम तो विरोध करेंगे, क्योंकि हम है पार्टी के कट्टर सिपाही, हम जनता है, हम किसी से डरने वाले नहीं है। और मैं प्रधान हूं, मैं एज ए प्रधान अपनी पंचायत में मेरी में कोई समस्या हो किसी को, चाहे वो बीजेपी का कार्यकर्ता हो चाहे कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, दीप ठाकुर दिन रात उनके लिए तैयार रहता है। कहीं भी मेरी स्टैंप हर टाइम मेरी जेब में होती है। अगर मैं घर में लोगों के कार्य जैसे करेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह है, बोनोफाइड वगैरह है नहीं बना पाता हूं, तो मैं अपने स्टैंप को जेब में रखता हूं 24 घंटे। तस्वीर में कोई मेरे को बुला लेता है, कहीं भी मिल जाता है, वहां पे बैग निकाल के मैं उनके करेक्टर बनाता हूं, बोनोफाइड बनाता हूं, लाइफ सर्टिफिकेट बनाता हूं, वो सब कुछ करता हूं। लोग जो मेरे को कार्य बताते हैं कि ये भाई साहब मेरा छोटा सा डंगा है, ये है या कुछ है और कोई कार्य है, तो भाई मैं टूट के पड़ता हूं। अगर मेरी ईमानदारी पे कोई शक है तो मेरी पंचायत में जाके आप पूछ सकते हैं कि दीप ठाकुर एक कैसा इंसान है, दीप ठाकुर गरीबों के लिए लड़ने वाला कैसा इंसान है। और गरीबों के लिए तो दीप ठाकुर का दिन रात एक होता है, और गरीबों की बात नहीं, मैं अपनी जनता के लिए, बटसर की जनता के लिए, हमीरपुर की जनता के लिए, जहां मर्जी सीएम साहब मेरे को कोई कार्य देंगे, जो भी हमें दिया जाएगा, दायित्व दिया जाएगा कि कांग्रेस पार्टी ने इस कैंडिडेट को जो है सिलेक्ट किया हुआ है, मैं उसका साथ देने के लिए तैयार हूं। मैं अपने लिए भी टिकट का आह्वान नहीं करता हूं, मैं एक सच्चा कर्मठ कार्यकर्ता हूं, मैं सिर्फ पार्टी का साथ, पार्टी संगठन उसको नहीं छोड़ सकता, इनके साथ कभी नहीं जा सकता। मैं तो जो मेरी पार्टी का कार्यकर्ता होगा, जिसको टिकट मिलेगा, मैं कंधे से कंधा मिला के उसके साथ चलूंगा। कुछ लोग यहां पर, कई जो कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, जो कहते थे कि कांग्रेस हमारे खून में है, बिल्कुल नस काट के देखो तो कांग्रेस निकलेगी, बिल्कुल। आज उनमें से कुछ लोग जो हैं वो इंदौर लखनपाल की मीटिंग में उनके पक्ष में नारे लगाते हुए दिखे, बिल्कुल उसको लेकर आपका क्या मानना है? उसका ऐसा है, अब जिन चार लोगों को लड्डू मिलेगा वो तो लड्डू का भोग लेंगे लेंगे, जिनको जो प्रसाद की तरफ से मिलता था उनको, या उनके पर्सनल कार्य चलते थे, वो तो आप समझते हैं कि जो कार्यकर्ता होगा पार्टी का, जो खाने की इच्छा नहीं रखता है, अपना कोई और चीज की इच्छा नहीं रखता है, वो कार्यकर्ता जो है वो वहीं पे डट के मुकाबला करेगा इनका। और जैसे ही हमारी पार्टी का, मैं इनको दावे के साथ कहता हूं, चैलेंज के साथ कहता हूं, जिन मेंढकियों ने इनको जताया था वही मेंढकियां इनको उखाड़ के बाहर फेंकेगी सत्ता से। चलिए जी, दीप ठाकुर जी ने आज यहां पर अपने विचार बड़े निष्पक्ष रूप से रखे हैं, आप लोगों की इस पर क्या राय है जरूर कमेंट करें। और इस बार जो बरसर में, खासकर बरसर विधानसभा में जो चक्रव्यूह रचा गया था, जिस चक्रव्यूह के तहत कांग्रेस को उखाड़ने का प्रयास किया गया है, उसको लेकर आगे की क्या चर्चाएं रहेगी, आपके बीच में आती रहेगी। इंदौर लखनपाल जी से भी हम समय मांग रहे हैं काफी दिनों से, लेकिन उन्होंने समय दिया नहीं है, अब वो न जाने क्यों नहीं दे पा रहे हैं, या अगर देते हैं तो हम उनका भी स्वागत करेंगे, वो अपनी बात रखें कि आखिर क्या ऐसी मजबूरी हुई, क्या ऐसी बातें थी जिन बातों की वजह से उनको कांग्रेस के साथ इस तरह का धोखा करके भाजपा में जाना पड़ा। तो इन सब चर्चाओं के साथ आप बने रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीप ठाकुर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।